पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और देवघर थोड़ी ही देर में वो पहुंचेंगे। देवघर की बात करें तो यहां वैद्यनाथ के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और 20 मिनट तक लगभग पूजन करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो पूजा अर्चना करेंगे, इससे पहले नहीं देखा गया ऐसा किसी को भी। साथ ही सौगात भी वो आज देंगे देवघर को, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही एक बड़ी सौगात कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर को देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो पटना भी जाएंगे और पटना का भी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सागर, बिल्कुल देखिए, चुनाव की घड़ियां भी धीरे धीरे, राजस्थान की हम तो बात करेंगे, झारखंड में नजदीक आ रही है। ऐसे में बिहार का दौरा, झारखंड का दौरा बेहद अहम हो जाता है पीएम नरेंद्र मोदी का, क्योंकि नीतीश कुमार का आपने देखा होगा कई बार जो बयान सामने आया, संजय जायसवाल को भी आपने सुना होगा, कई मौकों पर ऐसा लगा कि एनडीए में वो मजबूती नहीं है बिहार के अंदर। तो ऐसे में राजनीतिक के लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम हो जाता है पीएम नरेंद्र मोदी का कि कैसे एनडीए में एकजुटता बनी रहे। झारखंड के दौरे की बात करें तो वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि इस दौरे के पहले लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी था, लेकिन जो सौगातें मिलने वाली हैं झारखंड को, उससे झारखंड के विकास की रफ्तार और भी तेज बढ़ेगी और बड़ा फायदा होगा। क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। नहीं देखिए प्रधानमंत्री गरीबों के हित ऐसी रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे या सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, गरीबों के मसीहा हैं। और हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, बिहार की आम जनता उनके अभिवादन को आतुर है। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कीर्तिमान स्थापित करते हैं और इस बार भी विधानमंडल में आके एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए हमेशा से हितैषी रहे हैं और बिहार को जितना कुछ उन्होंने दिया है उससे बिहार आज लाभान्वित हो रहा है। आगे भी चिंता मत करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो बिहार का विकास मुमकिन है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायने में खास है, और खास इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं और बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। वो तस्वीरें आप देखेंगे इस बार बिहार में प्रधानमंत्री की, जो शायद ही आपने बिहार में किसी भी नेता को ऐसे करते हुए देखा है। लेकिन बिहार में क्या होगा, देवघर में क्या होगा, और साथ ही ये दौरा क्यों इतना ज्यादा खास है, निदा? बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बाबा के दर पर झारखंड पहुंचेंगे, और देखिए हम आपको बताएं पीएम मोदी के देवघर दौरा, आज एम्स देवघर में इन पेशेंट विभाग का उद्घाटन जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इसके अलावा आपको बताएं कि ऑपरेशन थिएटर सेवाएं जनता को आज समर्पित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इस दौरे को लेकर खासियत यह भी कि वैद्यनाथ धाम मंदिर में भी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो पीएम मोदी का देवघर दौरे के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम है वो हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देवघर में एयरपोर्ट का लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथों होना है। इसके अलावा झारखंड को 16,800 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर खास ये बात है, कई विकास कार्य ऐसे हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो एम्स देवघर में इनपेशेंट विभाग का उद्घाटन करेंगे। तमाम अभी तक का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ आज खास होने वाला है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे बाबा के दर पर, वो सब आपको हमने बताया अंशिका। बिल्कुल, तो पटना का भी दौरा देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का है, वो दौरा बेहद अहम है क्योंकि अगर हम बात करें पटना में तो कई सरकारी कार्यक्रम, विधानसभा भी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन पटना कब पहुंचेंगे पीएम और वहां पर किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, फिर वहां से दिल्ली कब रवाना होंगे, इन सभी आंकड़ों की पूरी डिटेल भी हमारे पास है जो निदा आपने बताया सभी को। लेकिन अगर हम बात करें पटना की और अगर हम बात करें झारखंड की, वहां पर जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, उत्साह है पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर, आप तो सभी जगहों की ऐसी तस्वीरें देखते होंगे अंशिका। बिल्कुल, वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें जो शायद ही अभी तक हमने कभी देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री तो वहां पर विधानसभा में तमाम विधायकों को संबोधित भी करेंगे, जो कि सबसे अलग चीज है और ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री बिहार में आकर बिहार की विधानसभा में तमाम विधायकों को संबोधित करेगा। और इसके अलावा अगर बात करें देवघर की तो देखिए बहुत कम वक्त बचा है, अब देवघर पहुंचने ही वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर पूजा अर्चना भी करेंगे। इस
इसके साथ ही बहुत से ऐसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं जिसमें शामिल होंगे पीएम मोदी, और साथ ही तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी हम लगातार दिखाई रहे थे कि आखिर जो तैयारियां हैं वो कितनी जबरदस्त की गई हैं, और साथ ही जो लाइटिंग है और आज की जो खूबसूरती है निदा वो बहुत ही अलग है बिहार और देवघर दोनों की जगह की बात करें तो। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए कुछ और ग्राफिक्स हैं आपको हम बता दें कि दरअसल पूरा जो कार्यक्रम है वो क्या है, 5:20 पर पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है कि 5:20 पर वो पटना एयरपोर्ट जो है पहुंचेंगे। इसके आगे हम अहम जानकारी इनके दौरे को लेकर आपको देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सीएम नीतीश कुमार और जो है वो पहुंचेंगे स्वागत करने के लिए पीएम मोदी का, वो एयरपोर्ट पर खुद मौजूद रहेंगे। इनके अलावा 5:55 पर पीएम जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं पीएम मोदी का। शाम 6 बजे पीएम शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। तो क्या कुछ खास कार्यक्रम है, कब कितने बजे कहाँ पहुंचेंगे सब आपको हम बता रहे हैं। तो आज जिस तरीके से खुद जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, और देखिए इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शॉल उड़ाकर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, और आज झारखंड की जमीन पर नमो नमो पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा देखिए। जोश और उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी है, लेकिन जेएमएम गठबंधन की सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर जो स्वागत कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का, साथ में देखिए आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि आज एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है झारखंड को। ऐसे में सिंधिया की उपस्थिति भी बहुत अनिवार्य हो जाती है झारखंड में। पीएम नरेंद्र मोदी का ये देवघर दौरा, देवघर में एयरपोर्ट का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा। झारखंड को 16,800 करोड़ की सौगात देंगे पीएम। कई विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में आज शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, और पीएम मोदी झारखंड क्योंकि पहुंच गए हैं, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि देवघर का दौरा है। बैद्यनाथ धाम मंदिर में भी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे। कई करोड़ की जो सौगात है आज वो देवघर को मिलेगी। एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। एयरपोर्ट की समस्या बहुत ज्यादा है झारखंड में, और ऐसे में एयरपोर्ट की सौगात झारखंड वासियों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। 16,800 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की जो सौगात है वो देंगे, विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि पीएम मोदी को आपने देखा होगा जब भी वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो वहीं के वेशभूषा में नजर आते हैं, और झारखंड जब आए हैं प्रधानमंत्री तो वो यहाँ पर ठीक यहाँ के लोगों के रहन सहन की तरह वैसे ही कपड़े और वैसे ही यहाँ पर वो पहुंचे हैं। इस देवघर में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर बाबा बैद्यनाथ का पूजा, 75 साल में कोई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पर पूजा करने के लिए नहीं आया। वैसे हम सबों के नेता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी शीर्षस्थ मंच और आए हुए तमाम बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी गुजरात से देवघर का एक अलग कनेक्शन है। 1925 में महात्मा गांधी जी यहां आए थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो अपना आजादी का आंदोलन देवघर से ही चलाना चाहते थे। बाद में वो सेवाग्राम गए, लेकिन जब 1934 में वो दोबारा आए तो इसी बैद्यनाथ मंदिर में उस वक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्रवेश नहीं था, अछूत के नाम पर जो है उनका प्रवेश नहीं होता था, और महात्मा गांधी जी को इसके लिए लाठी डंडा सब कुछ यहां खाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस मंदिर में अछूत का प्रवेश कराया। आज आप आए हैं इसी झारखंड के, जो प्रवेश जो कड़ी महात्मा गांधी जी ने 1934 में छोड़ी थी उसको आज आपने पूरा किया है। इस देश के अनुसूचित जनजाति की आवाज द्रौपदी मुर्मू जी को आपने, जो कि झारखंड की हैं, क्योंकि 1936 तक उड़ीसा और झारखंड और बिहार बिहार ही था, बिहार का अंग था, उनके बाप दादा सभी इसी झारखंड के हैं, उनको आपने राष्ट्रपति बनाया है। मैं उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाह रहा हूं।
कि आपने महात्मा गांधी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय द्रौपदी मुर्मू को बनाकर आज इस भूमि में प्रवेश किया है। एक सांसद होने के नाते आपने जो मुझे दिया, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस गोड्डा लोकसभा में 1,00,000 करोड़ की योजना चल रही है, चाहे वो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट हो, चाहे वो प्राइवेट प्लांट हो 1600 मेगावाट का जो कि अगले महीने चालू होने वाला हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डैम हो, आप नाम लीजिए, केंद्रीय विद्यालय हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो।